हेलो एवरीवन, सबको चाहिए कि हमारी ग्लोइंग स्किन हो और कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता, घर में कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि मेरी स्किन में ग्लो आ जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 DIY फेस मास्क जो आप अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एलोवेरा फेस मास्क। एलोवेरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है। सनबर्न तक को वो हील कर सकता है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है एंड यूजुअली सबके घरों में ये होता ही है। ये वाला जो फेस मास्क है ये ऑयली स्किन वाले लोग थोड़ा सा अवॉइड करें। अब इसमें कैसे यूज होता है, आप एलोवेरा लीजिए। एलोवेरा के साथ आप 1 टीस्पून एलोवेरा एंड 2 टीस्पून ऑफ मिल्क क्रीम लीजिए और उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक वो डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करिए एंड अप्लाई ऑन अ क्लीन फेस, लीव इट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इसे छोड़ दीजिए। 30 मिनट्स के बाद आपको हल्के गुनगुने पानी से यानी ल्यूक वॉर्म वाटर से इसको वॉश करना है। अगर आपको सनबर्न हुआ है या आपकी स्किन के अंदर थोड़ी सी ज्यादा डलने से तो आप इसको ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसन का फेस मास्क। बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी नानी दादी हमें बताती आई हैं और सबकी किचन में अवेलेबल होता है। बेसन एक एक्सफोलिएटर भी है और साथ में स्किन रिजुविनेशन का काम भी करता है। ये वाला जो फेस मास्क मैं आपको बताने वाली हूँ ये ऑयली स्किन के लिए भी ज्यादा सूट नहीं करेगा और सेंसिटिव स्किन जिनकी है उनके लिए भी सूट नहीं करेगा। ड्राई टू नॉर्मल स्किन वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, 1 टेबलस्पून आप बेसन लोगे, 2 टेबलस्पून आप मिल्क क्रीम लोगे और 1 टीस्पून आप लेमन लोगे। इन तीनों को आप अच्छे से ब्लेंड करिए, मिक्स करिए अच्छे से और सिर्फ 15 मिनट्स आपको फेस पे लगाना है। लगाने के बाद आप जब इसको रिमूव करेंगे तो कोल्ड वाटर से रिमूव करना है। आप इसको रगड़ रगड़ के रिमूव मत करिए बिकॉज वो स्किन को डैमेज करेगा। जैसे ही वो ड्राई हो जाता है 15 मिनट्स में, जस्ट कोल्ड वाटर से पैट करिए और फिर उसको रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक फेस मास्क। अब टर्मरिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो लोडेड है कर्क्यूमिन से। कर्क्यूमिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है। हम लोग इतने सालों से टर्मरिक यूज कर रहे हैं और US ने इसे पेटेंट करा लिया, तो ये पावर है टर्मरिक की। टर्मरिक फेस मास्क बनाने के लिए आप एक बोल के अंदर 1/2 टीस्पून टर्मरिक लीजिए, टर्मरिक पाउडर, बेकिंग पाउडर लीजिए 1 टीस्पून एंड साथ में लीजिए रोज वाटर। रोज वाटर आप कंसिस्टेंसी मैच करने के लिए ले सकते हैं, यूजली आपको 1 to 2 टीस्पून रोज वाटर में हो जाएगा। इन सारी चीजों को आप मिक्स करिए, ब्लेंड करिए और फेस पे लगाइए। फेस पे लगाने के बाद आप इसको 10 टू 15 मिनट्स में नॉर्मल वाटर से रिंस आउट कर दीजिए। अगेन इसको रगड़ना नहीं है। कई बार टर्मरिक कुछ लोगों की स्किन को सेंसिटाइज कर देता है, इसीलिए अगर आपकी स्किन के अंदर कोई सेंसिटिविटी या रेडनेस ऑलरेडी है तो इस मास्क को अवॉइड करिए। उन जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो लोग यूज कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट मास्क जो है क्यूकम्बर फेस मास्क। अब क्यूकम्बर्स आजकल इतनी अबंडेंस में आ रहे हैं, समर्स आते ही क्यूकम्बर्स आने लग जाते हैं। क्यूकम्बर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत हाइड्रेट करता है स्किन को। स्किन हाइड्रेशन में क्यूकम्बर नंबर 1 पे आता है बिकॉज उसका वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और साथ ही उसके अंदर मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, मैंगनीज, इस तरह के माइक्रो एलिमेंट्स भी मिलते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फेस मास्क है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ग्रेट करना है क्यूकम्बर को बिल्कुल थिन पेस्ट में। अगर आप उसको ग्राइंड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेशन होगा, अगर आप नहीं ग्राइंड कर सकते तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। उसको फेस पे लगाइए, स्पेशली अराउंड द आईज, कूलिंग इफेक्ट देगा एंड जस्ट वॉश इट ऑफ आफ्टर 20 मिनट्स विद नॉर्मल वाटर। जिनको टैन है, सनबर्न हुआ है, ऐसे में क्यूकम्बर फेस मास्क लगाने से इवन सेंसिटिव स्किन वालों को वो ये फेस मास्क लगाते हैं तो स्किन हाइड्रेटेड फील होती है। अब हमारा लास्ट मास्क है मैचा टी एंड हनी फेस मास्क। अब मैचा टी एंड हनी फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए मैचा टी एंड हनी।
कई बार हमें माचा टी नहीं मिलती, जबकि माचा टी बहुत हाई होती है एंटीऑक्सीडेंट्स में। तो अगर आपको माचा टी नहीं मिल रही है तो आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ना तो माचा टी में शुगर एडेड होनी चाहिए, क्योंकि कई बार टी बैग्स में शुगर एडेड होती है, और ग्रीन टी अगर आप यूज कर रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट में तो उसमें भी शुगर नहीं होनी चाहिए। दोनों ही मास्क, आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही जो टीज हम यूज कर रहे हैं ये हमारी स्किन को एक बूस्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट लोकली यूज करने से भी स्किन बहुत रिजुविनेटेड फील करती है। इसी तरह हनी भी हमारे स्किन को एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज देती है और बहुत जाके डीप लेवल तक स्किन को हाइड्रेट करती है। पर आजकल मार्केट में बहुत सारे गलत तरह के हनीज अवेलेबल है, सो आप प्लीज एक अच्छा वाला हनी यूज करिएगा इस पैक को बनाने के लिए। इसमें हमें चाहिए मैचा टी या ग्रीन टी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑफ हनी, एंड साथ में आप यूज करेंगे 1 टीस्पून ऑफ आलमंड ऑयल। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स करिए और अपनी स्किन पे लगा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर ये ऑयल बेस्ड मास्क है तो आपको ये ड्राई नहीं करेगा, मतलब ये ड्राई होगा नहीं, एंड क्योंकि ऑयल यूज किया गया है तो ऑयली स्किन वाले लोग इसको प्लीज अवॉइड करिए। उसके बाद इसको 15 मिनट स्किन पे रेस्ट होने दीजिए एंड जस्ट वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर। ये थे हमारे DIY फेस मास्क फॉर योर ग्लोइंग स्किन। आपका कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए।